हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरीश मीना एंड आई होप लोग सब ठीक हो। सो मेनी स्टूडेंट आर आस्किंग मी क्वेश्चन, शुड वी टेक ट्रांसफर, वी शुड गो बैक टू यूक्रेन। दिस क्वेश्चन आई विल कवर इन दिस वीडियो। हर चीज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको मतलब कोई मतलब नहीं है ऑफिशियल न्यूज से, उनको बस ट्रांसफर लेना है। तो ठीक है, मैं उनके लिए फिर वो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं सोचा चलो आपके लिए फिर बना ही देता हूँ वीडियो कि कौन कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है और कौन सी कंट्री आपको छोड़ देनी चाहिए और किस टाइप से बेस्ट है और किस टाइप से के लिए वो सेफ नहीं है। ठीक है, आपको अगर इन फ्यूचर जैसे आपकी एमबीबीएस डिग्री हो जाती है, अगर आपको बाहर सेटल होना है तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मैंने ये सारी कंट्रीज आपको छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपको आपको लगता है कि नहीं मेरे को मतलब इन फ्यूचर एमबीबीएस डिग्री होने के बाद मेरे को अपना फ्यूचर इंडिया में ही बनाना है तो आपको उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इन कंट्रीज में जा सकते हैं। आपको बाहर जाना है तो आप जॉर्जिया और रशिया में आप ट्रांसफर ले सकते हो, तो उसके बाद आप यूएस एमली का और सब कर सकते हो। आप लोग पूछेंगे कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ इनके लिए, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के लिए, कि आप अगर बाहर सेटल होना है तो आप इनको छोड़ दीजिए। बिकॉज अगर 6 साल की एमबीबीएस होती है, अगर उसके बाद भी अगर आपको बाहर जाना है तो प्लस 1 ईयर की और आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो आपकी टोटल 7 साल की डिग्री हो जाती है। तो मतलब इतना टाइम फालतू वेस्ट करने से अच्छा है आपको रशिया और जॉर्जिया में एडमिशन ले लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को वेट करना है, बहुत सारे कंफ्यूज है, बट उनको बैकअप रखना है। लाइक मैं वेट भी करूं बट अगर जैसे टाइम आया तो मैं फटाफट ट्रांसफर ले लूं, तो बैकअप रखने के ऑप्शन बता देता हूं आपको। जॉर्जिया, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और सर्बिया, इन कंट्रीज में आप उनसे उन जो भी आपको जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, आप दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो उन यूनिवर्सिटी से आप इनविटेशन लेटर निकलवा लीजिए, अपना एडमिशन लेटर, तो आपको 2 से 3 मंथ का टाइम मिल जाएगा। आप पूछेंगे कि इनविटेशन लेटर कैसे निकलवा सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, या आपका दोस्त, कोई भी आपका दोस्त उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, तो वो जाके यूनिवर्सिटी में बात करके आपका इनविटेशन लेटर निकलवा सकता है। और सेकंड चीज की आप एजेंट से इनविटेशन लेटर निकलवा सकते हैं। एजेंट, कुछ लोग एजेंट पैसे ले रहे हैं, कुछ आपका फ्री में निकलवा देंगे। थर्ड चीज आपको करनी है कि आप जैसे एनओसी वगैरह उनके लिए अभी मत निकलवाओ, उसको सिर्फ होल्ड में रख लो, एजेंट को बोल दो। जैसे आपको अगर ट्रांसफर लेना है, सपोज करो 1 महीने बाद आपको ट्रांसफर लेना है, तो आपको उनसे बोल दो, तो फटाफट वो होल्ड में हुई एनओसी और आपके डॉक्यूमेंट है वो फटाफट निकल जाएंगे, तो आप फिर इजिली ट्रांसफर ले सकते हो विद इन 1 मंथ के अंदर, उससे भी पहले ही। अब बात करता हूँ जो स्टूडेंट यूक्रेन वापस जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट फीस भी पे कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट है यार, मेरे सीनियर की बात कर लो, वो भी जा रहे हैं यूक्रेन। मेरा दोस्त पूछ रहा था कि आप ब्रो चल रहे हो वापस यूक्रेन, क्या प्लान है आपका? तो मैं बोला ब्रो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी वापस जाने का, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। अभी तक तो कोई अलाउ नहीं कर रहे मेरे घर वाले कि तू वापस यूक्रेन चला जा, ठीक है। और जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो यूक्रेन जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं, मेरे सीनियर जा रहे हैं, मेरे ईयर के जा रहे हैं, फिफ्थ ईयर के मेरे से जूनियर जा रहे हैं। और मेरी जैसे एक बंदे से बात हुई थी, तो जैसे वो क्यू की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो वो कल एनएमसी गया था, तो वो बोल रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइक मोबिलिटी कर रही है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी पोलैंड में शिफ्ट हो रही है, वही टीचर है, वही सेम है, तो क्या हम उनसे पढ़ सकते हैं, लाइक मोबिलिटी वो वैलिड है? तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ सकते हो, बट जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है टर्नोपिल, अगर मेरी यूनिवर्सिटी मोबिलिटी नहीं कर रही है, और वो स्टूडेंट अगर जैसे मैं हूँ, मैं जाके क्यू में जा रहा हूँ क्योंकि वो पोलैंड जा रही है यूनिवर्सिटी, तो मैं जाके अगर अपनी डिग्री वहां पे कंप्लीट करना चाहूँ पोलैंड, तो वो डिग्री वैलिड नहीं है, बिकॉज मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगा। और एनएमसी को देखो, मैं बताऊँ सीधी सीधी बात, अगर आप यूक्रेन जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप पोलैंड जा रहे हो, तो आपका वीजा में जो स्टैम्प लगेगा, तो वो लोग वो चेक करेंगे कि इस टाइम पे ये इंडिया में था या नहीं था, क्योंकि वो लोग आके तो अपना वहां पे देखने वाले नहीं है ना यूक्रेन की। आप लोग पढ़ रहे थे ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम यूक्रेन चले गए, पोलैंड चले गए, ठीक है, आप पोलैंड चले गए, तो उसके बाद आप पोलैंड में पढ़ रहे हो, और आपको यूनिवर्सिटी, इस स्टूडेंट ने ऑफलाइन क्लासे की है और बाद में आपको लाइसेंस दे दिया, डिग्री दे दी, तो उसका मतलब है आपकी डिग्री वैलिड है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसे मोबिलिटी मत बोलो, बस उन्हें ऑफलाइन क्लासे करी है, यूक्रेन में ये मोबिलिटी नहीं करवा रहे और वो भी जा रहे हैं, तो भाई बहुत रिस्की है। पहले आप पिछला वीडियो देख लो, वहां पे जो पावर प्लांट है ना सबसे बड़ा, तो बहुत बड़ा अभी खतरा चल रहा है, रशिया का पता नहीं बहुत बड़ा प्लान भी चल रहा है, जैसे न्यूज चल रही है अभी की आज उनका इंडिपेंडेंस डे है, 24 है ना, कुछ ना कुछ बड़ा अमेरिका जैसे बोल रहा था, अमेरिका भड़काने वाला काम करता है, अमेरिका करवाया है सब कुछ, सबको पता है कि अमेरिका जैसे बोल रहे हैं, अमेरिका ने अपने जितने भी है वहाँ पे जो रह रहे थे यूक्रेन में, उनको सबको बाहर निकलवा लिया, उनको सब अलर्ट कर दिया है कि आप सब यूक्रेन छोड़ के अपने देश चले जाइए, जो भी बाहर के जितने भी थे। तो रिस्क है वहाँ पे जाने में, रिस्क है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो
रिस्क मत लो यार, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को मना लेते हो, कन्वेंस कर लेते हो, बेचारे वो मान जाएंगे बिकॉज फ्यूचर उनको लिए अच्छा है। बट फ्यूचर कुछ ना हो ऐसा, बट वहाँ पे कुछ हो गया गड़बड़ और इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे भी मना कर दिया, मत लो ट्रांसफर और मत जाओ यूक्रेन, सीधा सीधा मना। अगर आप जा रहे हो तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा जो भी कुछ भी होगा। तो इतनी बड़ी रिस्क लेके आप अपनी डिग्री के लिए मत जाओ यार। अगर आप 6 महीना भी वेट कर रहे हो तो कोई बड़ा बात नहीं है, आपकी जिंदगी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना अभी तक मेरे को लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कुछ ना कुछ ऑफिशियल अभी तक दे देना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट का टाइम नहीं रहा है, अभी उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट की सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है, बहुत की अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट है जैसे मेरी वाली। तो यार अभी तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए यार, अपने पेरेंट्स लेटर तक लिख रहे हैं अगर उन्होंने कुछ कर लिया, कुछ हो गया तो उनकी तो लाइफ बर्बाद है ना इतना छोटे से डिसीजन के कारण। अपनी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए स्टूडेंट के लिए। बाहर वालों को तुम यहाँ पे बोल रहे हो, पाकिस्तान वाले को, सबको कि लाइक प्रैक्टिकल का आप कर सकते हो, बाहर की देख कंट्रीज को यहाँ पे अकोमोडेट कर लेते हैं, भाई उनके लिए नाम बना रहे हो, खुद की देश के वालों को ले खुद कुछ करो, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा भाई, ऐसे इंडिया पीछे रही है, सीधी सीधी बात है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा, जब तक बोल रहे कि सिर्फ यूक्रेन का जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे एडमिशन दे दो, यहाँ पे हमको लाइक टेम्परेरी कर लो, ठीक है प्रैक्टिकल क्लास है तो वैलिड करो। तुम लटका के रख रहे हो स्टूडेंट को बीच में, वो स्टूडेंट ना तो इधर का है ना इधर का है, वो बीच में फंसा हुआ है, उसके 5 साल 2-3 साल सारे बर्बाद है, पैसे बर्बाद है, पेरेंट डिप्रेशन में भाई। ठीक है गाइस, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाए। अगर आपके पास कोई अपडेट हो या कुछ भी हो तो यार जो टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखा है कमेंट करके आप मेरे को बता दिया करो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस है तो हम लाइव आ सकते हैं, हम लाइव में डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या तो कमेंट में पूछ लो या फिर आप बता दो कि लाइव आके इतने बजे आप लाइव आ जाइए, हम पूछ लेंगे आपसे, तो मैं लाइव आ जाऊंगा यूट्यूब पे और हम आपस में Q&A कर लेंगे। बाय बाय, सी यू सून, और अपना ध्यान रखो, अपना हेल्थ बहुत जरूरी है।